अस्सलाम वालेकुम सभी को आदाब। मैं वसीमुद्दीन किरमानी कॉन्टेस्टेड एमपी कैंडिडेट बीदर। आज मैं शाहपुर गेट ख्वाजा जहां तालाब के पास आया हूं। जो ख्वाजा जहां का तालाब है ये देखे, ये काफ़ी बड़ा तालाब है। एक ज़माने में इस तालाब के अंदर इतना पानी होता था, जब बारिश होती थी तो ये तालाब पूरा भर जाता था। तो यहाँ पर एक ज़माने में होल सिटी के खवातीन जो है सोना रिक्शों में अपने कपड़े रख ले के टिफिन बन ले के पिकनिक टाइप में यहाँ पर आकर जो है सोना जाते थे कपड़े धो ले के, जब साफ पानी हुआ करता था। मगर आज जो है सोना यहाँ पर गंदा पानी जमा हो रहा है, इसके क्या वजूहत है? मैं बीदर डिप्टी कमिश्नर से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि इस पानी का मुआयना किया जाए, इस तालाब के पानी का मुआयना किया जाए। इस तालाब में खाली बारिश का पानी है या गंदा पानी फजूलत जो पब्लिक के फजूल का पानी भी इसके अंदर जा रहा है, वो पानी का मुआयना किया जाए और इस तालाब को बेहतर बनाया जाए। जैसा कि बीदर उत्सव के अंदर जब भी बीदर उत्सव होता है तो किले के तालाब में कश्तियां आते हैं, बाहर से लोग इंजॉय करते हैं कश्तियों में बैठकर। मैं भी अपने परिवार के साथ किले के तालाब में बीदर उत्सव के मौके पर इंजॉय किया हूँ। तो हमेशा यहाँ पर बारिश का पानी अगर ज़्यादा जमा हो जाएगा जो पहले जैसा होता था, तो यहाँ पर लोगों को बिजनेस पॉइंट हो जाएगा, लोगों के कश्तियाँ चलेंगे, लोग आएंगे इंजॉय करेंगे। जैसा दुबई में फॉरेन कंट्री में तालाब समंदर होते हैं, समंदर में लोग बोटिंग करते हैं, तो उसी तरह यहाँ बीदर में भी वो बोटिंग होएगी, डेवलप होएगा, यहाँ आसपास के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, तिजारत होएगी। इस तालाब से काफ़ी गवर्नमेंट को फ़ायदा हो सकता है, मगर इस तालाब के ऊपर गवर्नमेंट जो है ना अपनी खामोशी नज़रअंदाजी का मतलब क्या है, मैं ये डिप्टी कमिश्नर से जानना चाहता हूँ। क्योंकि इसकी जगह काफ़ी हद तक इसकी जगह है, मगर इसकी जगह का अभी तक के सर्वे नहीं हो रहा, इसकी जगह का पॉइंट फिक्स नहीं हो रहा है इस तालाब का। एक्चुअली इसकी जगह जितनी है उतनी हदबंदी किया जाए और इसके अंदर पानी क्यों नहीं आ रहा? बारिश इतनी मूसलाधार हो रही है फिर भी इसके अंदर पानी जमा नहीं हो रहा, तो इसके क्या वजूहत है वो फाइंड आउट करे और इस तालाब के अंदर पानी जमा हो जैसे इकदाम उठाए डिप्टी कमिश्नर, और बीदर की जनता को एक टूरिज्म और एक जो सोना एक एंजॉयमेंट और एक पिकनिक पॉइंट इसको बनाया जाए बेहतर, और इसके पानी का मुआयना किया जाए, टेस्ट किया जाए कि ये बारिश का ही पानी है या कुछ और नालियों का और फजूल गंदा पानी इसमें जमा हो रहा है, वो चेक करना बहुत ही जरूरी है। और ये देख